है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मॉर्निंग रूटीन के बारे में आपसे कुछ बात करूंगी कि मैं क्या करती हूँ अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, और आपको क्या करना चाहिए अपने मॉर्निंग रूटीन में जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और यूथफुल लगे। तो देखिए, हम लोग क्या होता है ना कि अक्सर सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले फेस वॉश कर लेते हैं, लेकिन आप यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आज मैं आपको इसी पे एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि सुबह उठ के हमें क्या कर सबसे पहले अपने चेहरे के लिए करना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। तो देखिए, आपको करना क्या है, जैसे कि हम लोग रात भर, सबको पता है जब रात भर हम लोग सोते हैं तो एक ऑयल, नेचुरल ऑयल छोड़ता है, स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। वैसे गर्मियों में ये कि हर मौसम में ये होता ही है, इसके लिए सुबह में आपको लगेगा स्किन पे ऑयल फील करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो स्किन से सारा नेचुरल ऑयल छीन के आपके स्किन को बिल्कुल ड्राई बना देता है, रूखा बना देता है। इसलिए आप ये गलती बिल्कुल ना करें। सुबह उठ के आप सबसे पहले अपना स्किन को नॉर्मल पानी से धोएं, ये सबसे सही तरीका है। उसके बाद आप थोड़ा देर फेस वॉश ना लगाएं, साबुन तो गलती से भी ना लगाएं। तो आपको लगाना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्किन में आप जो होता है मुल्तानी मिट्टी का जो पैक होता है, उसमें शहद डाल के आप मॉर्निंग के समय में लगा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहता है। मुल्तानी मिट्टी का पैक सुबह में लगाना ही बहुत अच्छा होता है, खास करके गर्मियों में, अभी के टाइम में आप वो लगा सकते हैं। लेकिन आपको आज मैं एक जो मैं लगाती हूँ जो आपकी स्किन में, देखिए नेचुरल ऑयल बहुत ज़रूरी है आपके स्किन में रहना, तभी तो ग्लो लगेगा चेहरे पे। इसके लिए देखिए, मैं एक रेमेडी बना के यूज करती हूँ जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। देखिए, उसके लिए आप इसको बना के एक बॉल में भी एक वन वीक के लिए आप बना के आराम से रख सकते हैं। देखिए, एक बॉल मैंने लिया है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें लेना है ग्लिसरीन। आप बोलेंगे गर्मियों में ग्लिसरीन, तो हाँ गर्मियों में। देखिए मेरा, देखिए पूरा ख़त्म हो चुका है, मैं कितना ही। आप सुबह में इसको नहाने तक यूज करना, बस ये ही जान लीजिए, सुबह में आप जब उठेंगे उससे लेके नहाने तक इसको अपने फेस पे लगा रखना है। एक क्रीम की तरह आपको बनाना है। तो मैंने, देखिए मैंने यहाँ पर आपको वन इस पे एक चम्मच ग्लिसरीन लिया है। वन वीक के लिए मैं वैसे बना रही हूँ, फ्रिज में इसे स्टोर करके रख लूँगी। तो स्क्रीन की तरह अपने चेहरे पे इसे लगा के, और जब तक आप नहाएंगे उतना देर आपको छोड़ देना है। स्किन इतनी ज़्यादा चिकनी, सॉफ्ट, कोई भी अगर आपको फेस में दाग धब्बा है वो निकल जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनेगी। जितना मैंने ग्लिसरीन लिया है उतना ही इसमें गुलाब जल भी मिक्स करना है, ठीक। उसके बाद आप चाहें तो इसमें, अगर आपको सूट करता है, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ है, तो आप इसमें हनी भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन हनी डालने से थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी, तो आप थोड़ा इसको ज़्यादा देर लगा के नहीं रख पाएंगे, इसीलिए आप हनी नहीं, मतलब अगर आप तुरंत आपको धोना है तो आप रख लें, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए नींबू का रस 5-6 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना है, हाफ नहीं मिलने के। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, इस तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए बिल्कुल एक क्रीम की तरह ये, मतलब हो जाएगा ये, और बिल्कुल लाइट वेट है। देखिए देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल लाइट वेट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये डार्क शेड ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह में जब आप उठेंगे तो उसके बाद जब चेहरा पानी से धो लेंगे, उसके बाद इसे लेंगे और अपने फेस पे पूरे क्रीम की तरह अपने पूरे फेस पे आप इसे लगा लेंगे। और आप नींबू, अगर आपको नींबू शूट नहीं करता है, उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, तो आप नींबू छोड़ दें, या सप्ते में एक बार दो बार आप लगा लें। बहुत ही अच्छा, सुबह के समय में स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। आप वन वीक ही इसे करके देखें, देखें आप कितना ज़्यादा आपको ये फ़ायदा करेगा। अगर आप चाहें तो इसे नाइट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रात नाइट में बहुत ज़्यादातर लोग एंटीएजिंग क्रीम लगा के सोते हैं, इसलिए आप इसे सुबह में ही कर लें। आपको नहीं पसंद है तो इसे सुबह में सो के उठते हैं उस समय ही आप इसे कर लें, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके स्किन के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं।